महाभारत भारत का अनुपम धार्मिक पौराणिक ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है यह हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ है हालांकि इसे साहित्य की सबसे अनुपम कृतियों में से एक माना जाता है किंतु आज भी यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनुकरणीय स्रोत है हिंदू मान्यताओं पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है और इसे लिखने का श्रेय भगवान गणेश को जाता है इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था इस काव्य के रचयिता जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय शिक्षा चिकित्सा ज्योतिष युद्धनीति योगशास्त्र अर्थशास्त्र वास्तुशास्त्र शिल्पशास्त्र कामशास्त्र खगोलविद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है महाभारत की विशालता और दार्शनिक बुद्धता न केवल भारतीय मूल्यों का संकलन है बल्कि हिंदू धर्म और वैदिक परंपरा का भी सार है महाभारत की विशालता महानता और संपूर्णता का अनुमान उसके प्रथम पर्व में उल्लेखित एक श्लोक से लगाया जा सकता है जिसका भावार्थ है यह कृति प्राचीन भारत के इतिहास की एक गाथा है इसी में हिंदू धर्म का पवित्रतम ग्रंथ गीता सन्निहित है पूरे महाभारत में लगभग एक लाख दस हजार श्लोक हैं जो यूनानी काव्यो इलियड और ओडिसी से परिमाण में दस गुना अधिक हैं विद्वानों में महाभारत काल को लेकर विभिन्न मत हैं, फिर भी अधिकतर विद्वान महाभारत काल को युग से जोड़ते हैं अनुमान किया जाता है कि महाभारत में वर्णित कुरु वंश बारह सौ से आठ शून्य शून्य बीसी के दौरान शक्ति में रहा होगा पौराणिक मान्यता को देखें तो पता लगता है कि अर्जुन के पोते परीक्षित और महापदन का काल तीन आठ दो ठहरता है यह महाकाव्य जय भारत और महाभारत इन तीन नामों से प्रसिद्ध हैं वास्तव में वेद व्यास जी ने सबसे पहले एक लाख श्लोकों के परिमाण के भारत नामक ग्रंथ की रचना की थी इसमें उन्होंने भरतवंशियों के चरित्रों के साथ साथ अन्य कई महान ऋषियों चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों सहित कई अन्य धार्मिक उपाख्यान भी डाले इसके बाद व्यास जी ने चौबीस हज़ार श्लोकों का बिना किसी अन्य ऋषियों चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजाओं के उपाख्यानों का केवल भरतवंशियों को केंद्रित करके भारत काव्य बनाया इन दोनों रचनाओं में धर्म की अधर्म पर विजय होने के कारण इन्हें जय भी कहा जाने लगा महाभारत में एक कथा आती है कि जब देवताओं ने तराजू के एक पासे में चारों वेदों को रखा और दूसरे पर भारत ग्रंथ को रखा तो भारत ग्रंथ सभी वेदों की तुलना में सबसे अधिक भारी सिद्ध हुआ अतः भारत ग्रंथ की इस महत्ता महानता को देखकर देवताओं और ऋषियों ने इसे इस महाभारत नाम दिया और इस कथा के कारण मनुष्यों में भी यह काव्य महाभारत के नाम से सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ महाकाव्य का लेखन महाभारत में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि वेदव्यास ने हिमालय की तलहटी की एक पवित्र गुफ़ा में तपस्या में संलग्न तथा ध्यान योग में स्थित होकर महाभारत की घटनाओं का आदि से अंत तक स्मरण कर मन ही मन में महाभारत की रचना कर ली थी परंतु इसके पश्चात उनके सामने एक गंभीर समस्या आ खड़ी हुई कि इस महाकाव्य के ज्ञान को सामान्य साधारण तक कैसे पहुंचाया जाए क्योंकि इसकी जटिलता और लंबाई के कारण यह बहुत कठिन कार्य था कि कोई इसे बिना किसी त्रुटि के वैसा ही लिख दे जैसा कि वे बोलते जाएं इसलिए ब्रह्मा के कहने पर व्यास भगवान गणेश के पास पहुंचे। गणेश लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रख दी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में रुकेंगे नहीं व्यास जी जानते थे कि यह शर्त बहुत कठिनाइयां उत्पन्न कर सकती है अतः उन्होंने भी अपनी चतुरता से एक शर्त रखी कि कोई भी श्लोक लिखने से पहले गणेश को उसका अर्थ समझना होगा गणेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया इस तरह व्यास बीच बीच में कुछ कठिन श्लोकों को रच देते जब गणेश उनके अर्थ पर विचार कर रहे होते उतने समय में ही व्यास जी कुछ और नए श्लोक रच देते इस प्रकार संपूर्ण महाभारत तीन वर्षों के अंतराल में लिखी गई वेद व्यास ने सर्वप्रथम पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानों सहित एक लाख श्लोकों का आद्य भारत ग्रंथ बनाया तदंतर उपाख्यानों को छोड़कर चौबीस हज़ार श्लोकों की भारत संहिता बनाई तत्पश्चात व्यास जी ने साठ लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनाई जिसके तीस लाख श्लोक देवलोक में पंद्रह लाख पितृलोक में तथा चौदह लाख श्लोक गंधर्वलोक में समादृत हुए मनुष्यलोक में एक लाख श्लोकों का आद्य भारत प्रतिष्ठित हुआ महाभारत ग्रंथ की रचना पूर्ण करने के बाद वेदव्यास ने सर्वप्रथम अपने पुत्र सुखदेव को इस ग्रंथ का अध्ययन कराया महाभारत के पर्व महाभारत की मूल अभिकल्पना में अठारह की संख्या का विशिष्ट योग है कौरव और पांडव पक्षों के मध्य हुए युद्ध की अवधि अठारह दिन थी दोनों पक्षों की सेनाओं का सम्मिलित संख्या बल भी अठारह अक्षौहिणी था इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी अठारह थे महाभारत की प्रबंध योजना में संपूर्ण ग्रंथ को अठारह पर्वों में विभक्त किया गया है और महाभारत में भीष्म पर्व के अंतर्गत वर्णित श्रीमद गीता में भी अठारह अध्याय हैं संपूर्ण महाभारत अठारह पर्वों में विभक्त है पर्व का मूलार्थ है गांठ या जोड़ पूर्व कथा को उत्तरवर्ती कथा से जोड़ने के कारण महाभारत के विभाजन का यह नामकरण यथार्थ है इन पर्वों का नामकरण उस कथानक के महत्वपूर्ण पात्र या घटना के आधार पर किया जाता है मुख्य पर्वों में प्राय अन्य भी कई पर्व हैं इन पर्वों का पुनर्विभाजन अध्यायों में किया गया है पर्वों और अध्यायों का आकार असमान है कई पर्व बहुत बड़े हैं और कई पर्व बहुत छोटे हैं अध्यायों में भी श्लोकों की संख्या अनियत है किन्ही अध्यायों में पचास से भी कम श्लोक हैं और किन्हीं किन्हीं में संख्या दो सौ से भी अधिक है मुख्य अठारह पर्वों के नाम इस प्रकार हैं।